दोस्तों, हमारी दुनिया में 560 से भी ज्यादा शिकारी पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से ईगल, हॉक, काइट और फाल्कन सहित बहुत सारे ऐसे शिकारी पक्षी हैं जिसके बीच में काफी समानता होती है, जिसके कारण उनको पहचानने में काफी कंफ्यूजन होता है। इसी वजह से आज के वीडियो में हम ईगल, हॉक, काइट और फाल्कन में क्या अंतर होता है इसके बारे में जानेंगे। ईगल, हॉक, काइट और फाल्कन भले ही एक जैसे लगते हो पर इनमें बहुत सारा डिफरेंट होता है। इन चारों पक्षियों में ईगल सबसे बड़ा और ताकतवर होता है जबकि फाल्कन सबसे तेज होता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं ईगल के बारे में। दुनिया भर में ईगल की 60 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। ईगल इन तीनों शिकारी पक्षियों से ज्यादा बड़ा होता है। इसकी हाइट करीब 3 फीट होती है जबकि इसका वजन 10 किलोग्राम के करीब होता है। ईगल के दोनों विंग्स की लंबाई 8 फीट से भी ज्यादा होती है। ईगल की गर्दन 270 डिग्री तक घूमती है। इसके पंजे काफी नुकीले और बड़े होते हैं, जो आसानी से शिकार को चीर डालता है। यह अपना घोंसला ऊंची चट्टान या ऊंचे पेड़ पर बनाता है। इसके घोंसले की चौड़ाई 2 से 4 फीट होती है। अब जानते हैं हॉक के बारे में। हॉक्स एक मध्यम आकार का शिकारी पक्षी है जो एक्सिपिडिरे परिवार का सदस्य है। इसकी कुछ प्रजातियां फाल्कन और ईगल जैसे ही दिखती है और यह ईगल से छोटा होता है। हॉक पक्षी खुले मैदान, रेगिस्तान और तटीय क्षेत्र में रहना पसंद करता है। इसकी लंबाई करीब 50 सेंटीमीटर होती है। यह शिकार के वक्त 240 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से शिकार पर कूदता है, जो ईगल की तुलना में काफी ज्यादा है। इसके शिकार में चूहे, खरगोश, छिपकली, सांप और कछुओं का समावेश होता है। इसकी पूंछ काफी लंबी होती है जो इसको ईगल से काफी अलग करता है। चलिए अब जानते हैं काइट के बारे में। चील एक मध्यम आकार का शिकारी पक्षी है जो अचानक से शिकार पर हमला करता है। भले ही यह छोटे कद का होता है पर बहुत ही माहिर शिकारी पक्षी है। इसकी लंबाई 50 से 60 सेंटीमीटर होती है। बाकी तीनों शिकारी पक्षियों की तुलना में चील ज्यादा देर तक हवा में उड़ सकता है। यह अंटार्कटिका को छोड़कर लगभग पूरी दुनिया में पाया जाता है। चील ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई पर उड़ान भरता है और फिर ग्लाइडिंग करते हुए हवा में शिकार को तलाश करता है। फाल्कन। फाल्कन भी बाज प्रजाति का ही पक्षी है जो अपने तेज रफ्तार के लिए जाना जाता है। फाल्कन सभी शिकारी पक्षियों में सबसे तेज गति से उड़ता है। यह 320 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से उड़ता है। इसीलिए यह ईगल, हॉक और काइट से अलग है। दुनिया भर में इसकी 40 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। इसकी ऊंचाई 2 फीट के करीब होती है। इसका आहार में सांप, मेंढक, खरगोश, मछली और अपने से छोटे सभी तरह के पक्षी को शामिल करते हैं। यह हवा में तेज गति से उड़ते वक्त बहुत ही आसानी से मुड़ सकता है और हवा में ही शिकार को दबोच डालता है। दोस्तों, इन चार शिकारी पक्षियों की लड़ाई होती है तो ईगल अपनी साइज और स्ट्रेंथ के कारण आसानी से जीत जाएगा, पर काइट, हॉक और फाल्कन में कौन जीतेगा यह कहना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि तीनों साइज में लगभग एक जैसे होते हैं। हालांकि यहाँ पर हॉक्स के जीतने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि वो फाल्कन और चील दोनों से बड़े होते हैं। अगर बात करें इन शिकारी पक्षियों के बीच की समानता की तो इनको पहचानना गिद्ध और उल्लू की तुलना में काफी डिफिकल्ट होता है क्योंकि यह चारों पक्षी एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। लेकिन जैसा कि इस वीडियो में हमने बताया कि चारों शिकारी पक्षी का शिकार करने का तरीका एक दूसरे से अलग है, बट ज्यादातर पक्षी का शिकार एक जैसा ही है, जैसे कि चूहे, सांप, छिपकली, खरगोश। हॉक को उनकी लंबी पूंछ की मदद से आसानी से पहचाना जा सकता है जबकि ईगल काफी बड़े होते हैं। दूसरी तरफ फाल्कन मध्यम आकार के साथ साथ काफी तेज गति से उड़ते हैं। वहीं चील आकाश में बहुत ऊंचाई पर ग्लाइडिंग करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ईगल, हॉक, काइट और फाल्कन में क्या फर्क है और इनमें से कौन सबसे ज्यादा ताकतवर और तेज है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।